For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. I think Dabang 3 has a lot for the audience and I'm really happy for Dabang 3. I'm not saying this. Yeh kaha gaya hai with, by none other than, of course, Saleem Khan sahab. Salman Khan ke father, Arbaaz Khan ke father, Sohail Khan ke father, of course. Saleem Khan ji ne is baat ko kaha hai. Dabang 3 ko dekhkar unhone yeh baat kahi hai ki I'm really happy about Dabang 3 because Dabang 3 mein bahut kuch aisa hai जो ऑडियंस को पसंद आने वाला है, जो ऑडियंस के लिए रखा गया है. इट हैज़ अ लॉट ऑफ यू नो कंटेंट टू शो टू द ऑडियंस. अब भाई अगर सलीम सर ये बात कह रहे हैं तो डेफिनेटली वो झूठ तो नहीं कह रहे होंगे, क्योंकि सलीम सर कुछ उन चंद लोगों में से हैं जो कटाक्ष सच और सही बात करते हैं. और कहीं ना कहीं सलमान भी अपने फादर साहब की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. जब ऐसे सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये बात कही जा रही है कि जब सलीम सर को दबंग 3 दिखाई गई है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था महज कुछ ही दिन बचे हैं दबंग 3 के रिलीज़ में और 20 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है, आज 12 तारीख है. सो कहीं ना कहीं ये फिल्म जितनी जल्दी रिलीज़ की तरफ पहुंचती जा रही है, उतनी जल्दी इस फिल्म को लेकर जो है ओपिनियंस बाहर आ रहे हैं. फिल्म से डायलॉग्स आउट हो रहे हैं, गाने आउट हो रहे हैं और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं. तो इसी तरह का एक्साइटमेंट दिखाते हुए सलीम सर ने जब फिल्म देख ली, शायद ऐसा लग रहा है, तब उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि दबंग 3 बहुत अच्छी फिल्म है और दबंग 3 में ऐसा बहुत कुछ है जो ऑडियंस को ज़रूर पसंद आएगा. तो आप कितना एक्साइटेड है दबंग 3 के लिए, क्योंकि सलीम सर ने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया. आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कितना एक्साइटेड है और सलीम सर की बातों से कितना सहमत है, ये भी बताइए. दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ. चुलबुल पांडे एक मेल पुलिस ऑफिसर है और शिवाजी रॉय एक फीमेल पुलिस ऑफिसर है. दोनों अफसर है. मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हूँ, मैं उनकी सीनियर हूँ और वो अभी तक 2 स्टार में है. बात करी जाए अगर वरदानी 2 की, ट्रेलर को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं जी. क्या कहना चाहेंगे इस पर? बस अब तो ये लोग पिक्चर देख चुके हैं और इनसे फीडबैक बहुत अच्छा मिला है, बहुत अच्छा मिला है. तो बस इन्होंने मेरा हौसला और भी बुलंद कर दिया है और मैं बस यही प्रार्थना कर रही हूँ कि 13 दिसंबर को, फ्राइडे को, जब ये पिक्चर रिलीज होगी तो हर किसी का रिएक्शन इनकी तरह हो. नहीं, अभी आप पूछिए. मैम, आपने राजा की आई की बारात में एक रेस जी का रोल प्ले किया जी, और इसमें हम शिवानी रॉय से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप शिवानी रॉय से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है और जिस तरह से हमारे देश की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस काम करती है, दिन रात मेहनत करती है और क्रिमिनल्स को पकड़ती है, आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके रानी, इसी के साथ मैं बात करना चाहूँगा कि जिस तरीके से शिवानी की अगर बात की जाए जी, तो लगता है कि समाज में ऐसी शिवानियों को और आगे आना चाहिए. ये जितनी आप पीछे देख रही है सब शिवानियाँ हैं. आज हमारे इस शो में हमने सारे शिवानियों को बुलाया है और हमारे देश में हर जगह, ये मैं मुंबई की नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन हर प्रांत में बहुत सारी शिवानियाँ हैं. और यही नहीं कि आप वर्दी पहन के ही वो मर्दानी का रूप दिखा सकते हैं. हर लड़की में एक मर्दानी है, हर लड़की में एक दुर्गा छिपी है. बस वो जो एक हमारे अंदर का जो गुस्सा है, एक हमारे अंदर की जो पावर है, वो हमें टैप करने की बहुत ज़रूरत है जिस तरह की स्थिति में हम आजकल जी रहे हैं. हाँ, क्या चुलबुल पांडे एक मेल पुलिस ऑफिसर है और शिवाजी रॉय एक फीमेल पुलिस ऑफिसर है. दोनों अफसर है. मैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हूँ, मैं उनकी सीनियर हूँ और वो अभी तक 2 स्टार में है. वही अलग है, डिफरेंस है. थैंक यू. थैंक यू. घर में होने वाला है सॉलिड एंट्री बॉस, वो भी किसकी? पारस छाबड़ा, यानी कि आबरा कडाबरा पारस छाबड़ा आने वाले हैं घर के अंदर. यस, सीक्रेट रूम से निकलकर कुछ दूर चलकर सीधा घर के अंदर वापसी कर रहे हैं पारस और इसका प्रोमो आउट हो चुका है. और भाई आते ही लॉन्डे ने आग लगा डाली. यस, आते ही पारस ने सबकी पोल खोल दी, चाहे वो विशाल हो, चाहे वो रश्मि के साथ जो अरहान की बातचीत हुई थी, अरहान के बारे में पोल खोल दी, जो भी उन्होंने रश्मि के बारे में कहा था, शिफाली के बारे में बहुत कुछ कहा, सबको ये कह दिया कि हर कोई दोगला है. और साथ ही साथ ये भी कहा कि सारे घर वालों ने मिलकर शहनाज और माहिरा को कॉर्नर कर दिया, दो लड़कियों को अकेला कर दिया. कहीं ना कहीं पारस की ये धमाकेदार एंट्री बहुत कुछ दिखा रही है अच्छी तरीके से. और अब घर वाले जो हैं
वो और ज्यादा चौकन्ने हो गए क्योंकि अब उन्हें समझ में आया कि शायद ये लोग ऑलरेडी वहां से देख रहे थे, तो अब सबके चेहरे पर वो शिकंज नजर आ रही है। भाऊ को भी दोगुला ऑफकोर्स, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि भाऊ कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, वो सिर्फ डिप्लोमेटिक तरीके से रह रहे हैं घर में। तो कहीं ना कहीं कल का एपिसोड मजेदार होने वाला है क्योंकि पारस इज बैक इन द गेम। आप लोग कितना एक्साइटेड है इस चीज के लिए और पारस आके जब सबकी पोल खोलेंगे उसके लिए कितना एक्साइटेड है वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे जाके जरूर बताइएगा। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूं ज्योति नाहा, साइनिंग ऑफ। सिद्धार्थ शुक्ला सिर्फ बिग बॉस के घर में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया यानी गूगल पर भी राज कर रहे हैं। यस, क्या है पूरी कहानी चलिए बताती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहा। सिद्धार्थ शुक्ला जो कि घर के किंग करार दिए गए थे सभी घर वालों से, वो बन गए हैं मोस्ट सर्च्ड सेलिब्रिटी ऑन गूगल। यस, वेल वेल वेल, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट आप मान सकते हैं बिकॉज बिग बॉस से पहले ऑफकोर्स लोग सिद्धार्थ को जानते थे और बिग बॉस में आने के बाद किसी कंटेस्टेंट के साथ इतना बड़ा यू नो स्टारडम लेवल ऑल ऑफ अ सडन नहीं मिला है घर के अंदर रहते रहते जैसा सिद्धार्थ को ऑफकोर्स मिल चुका है। हालांकि सिद्धार्थ पहले से एक नोन फेस थे, मैं बार बार बोल रही हूँ इस बात को, लेकिन मोस्ट सर्च्ड सेलिब्रिटी बनना इज अ बिग थिंग बिकॉज इट इज वेरी टफ एंड कहीं ना कहीं ये उपाधि जो मिली है ये बात आने वाले कुछ दिनों में आपको दिखाई जाएगी। जिस तरीके से सलमान जो है वो सिद्धार्थ को इस बात का खुलासा करेंगे और कहेंगे कि यू डिजर्व इट। यस, कुछ ऐसा ही बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा जब वीकेंड का वार आएगा और ये खुलासा किया जाएगा कि सिद्धार्थ जो है वो मोस्ट सर्च सेलिब्रिटी बन गए हैं। वेल वेल वेल, जो भी सिद्धार्थ का गेम प्लान है, लेकिन इतना जरूर कन्फर्म है कि लोग जो है वो सिद्धार्थ को बहुत पसंद कर रहे हैं और उनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। सो आप घर के किस कंटेस्टेंट से सबसे ज़्यादा इंप्रेस्ड है और सिद्धार्थ वर्ल्ड्स इंडियाज मोस्ट सर्च्ड सेलिब्रिटी है, इस पर आपका क्या कहना है ये कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताइएगा। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूँ ज्योति नाहा, साइनिंग ऑफ। दबंग 3 की रिलीज का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है और अब जो ये फिल्म कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है तो मेकर्स ने अपनी फिल्म को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर प्रमोट करना भी शुरू कर दिया है। अपनी फिल्म को द कपिल शर्मा शो पर प्रमोट करने के बाद सलमान और उनकी दबंग 3 की टीम जा पहुंची डांस प्लस 5 के मंच पर, जहां उन्होंने अपने दमदार डांस मूव से चार चांद लगा दिए। दबंग 3 के मुहूर्त शॉट से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशन का हर पहलू फैंस ने फॉलो किया है और इस अमेजिंग प्रोसेस को एंजॉय करने के बाद फैंस प्रमोशन के इस आखिरी पड़ाव को भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। डांस प्लस 5 के मंच पर सलमान खान ने अपने अनोखे अंदाज से सबका दिल जीत लिया और साई मंजरेकर और सोनाक्षी सिन्हा के साथ मिलकर उन्होंने इस एपिसोड को और भी एंटरटेनिंग बना दिया। फिल्म दबंग 3 की बात करें तो ये पॉपुलर कॉप फ्रेंचाइज दबंग का थर्ड इंस्टॉलमेंट है। इस फिल्म के पहले इनिंग के साथ सोनाक्षी सिन्हा ने इंडस्ट्री में कदम रखा था और अब तीसरी इनिंग में साई मांजरेकर भी कुछ ऐसा ही करने जा रही हैं। वेल, दबंग 3 का हर प्रमोशनल इवेंट काफी अनोखा और निराला होता है और ये देखकर हम सबको इस फिल्म का और भी बेसब्री से इंतजार रहेगा, है ना? जिसके आगे हो अली और पीछे हो बजरंग बली, उसका क्या बिगाड़ेगा बाली। यस, ये डायलॉग आ गया है, धमाकेदार एंट्री कर ली है इस डायलॉग ने सोशल मीडिया पर यानी कि यूट्यूब पर। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति नाहा। दबंग 3 कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है, सिर्फ 9 days लेफ्ट फॉर दबंग 3 और ऐसे में एक डायलॉग प्रोमो रिलीज किया गया है दबंग 3 का, जहां पर हम सलमान खान को कहते हुए देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। ऑफकोर्स ये टीजर एक फाइटिंग सीक्वेंस क्लाइमैक्स मुझे लग रहा है, ये क्लाइमैक्स सीक्वेंस एक अपलोड किया गया है जहां पर बाली सिंह और चुलबुल पांडे धमाकेदार लड़ाई करते नजर आ रहे हैं, कार से कार टकरा रही हैं, बिल्कुल रोहित शेट्टी लेवल का एक्शन दिखाई दे रहा है हमें इस फिल्म में और सुपर एक्शन के साथ साथ ये धमाकेदार डायलॉग भी है जहां अली और बजरंग बली दोनों है वहां पर बाली सिंह क्या कुछ कर पाएगा चुलबुल पांडे का। तो ये डायलॉग्स, पहली बात तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, डायलॉग्स इस बार सलमान खान ने लिखे हैं, इसीलिए ज़्यादा क्वर्की और कैची डायलॉग्स हैं। मुझे ये डायलॉग बहुत पसंद आया और मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, सीन का एक हिस्सा उन्होंने रिवील कर दिया है विच इज़ अगेन वेरी
इंट्रीगिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है दबंग 3 के, और ये क्लाइमैक्स का छोटा सा हिस्सा देखना बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अब, खास करके ये क्लाइमैक्स सीन देखने के बाद, या क्लाइमैक्स का सीन का छोटा सा हिस्सा देखने के बाद। आप लोग लेकिन बाली सिंह और चिरुबुल पांडे में से किसको ज़्यादा देखने के लिए एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज इट इज़ सलमान वर्सेज किच्चा सुदीप या फिर चिरुबुल वर्सेज बाली। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसी तरह के गॉसिप्स लेकर आती रहूंगी। दिस इज ज्योति नाहा साइनिंग ऑफ।